अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत खुश रखे, आमीन। तो मेरे लास्ट ब्लॉग की तरह ये पार्ट वन का पार्ट टू है। आई होप सो आप लोगों को बहुत इन्जॉय करेंगे। चलते हैं पार्ट टू की अब तरह। जैसे जैसे असर हो गई है तो यहाँ पे लाइट्स ऑन हो रही हैं और आज मौसम भी बहुत प्यारा था और है, अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी नहीं है, मिला जुला मौसम है। और यहाँ पर हॉर्स भी हैं देखें, और जो है यहाँ पे आज बहुत प्यारा मौसम है और बहुत मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहे हैं। आई होप सो आप लोग भी मेरे साथ इन्जॉय कर रहे होंगे व्लॉग। तो उस जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इन्जॉय करें। वोच आ गई है। तो हमने यहाँ पे टिकट ले लिए थे लाइव सफारी के लिए और हम लोग यहाँ पे लाइन में लग गए थे। और ये जो आगे खड़ी हुई है मेरे हस्बैंड के येलो कलर की ड्रेस में घंटी, उन्होंने बहुत तंग किया, बहुत जो है ना धक्के दे दे के आगे बढ़ रही थी। और बस बिहेवियर इंसान का ना बता देता है वो किस नेचर से, उसकी कैसी तरबियत हुई। और यहाँ पे मुझे नज़र आ गया था ये गोबीज़ पेंट लिखा हुआ। तो हमारी ज़िंदगी में एक थे जिन्होंने हमें बहुत तंग किया था गोबीज़ पेंट की तरह लिए, लेकिन अल्लाह पाक बस रहम करे अपने अखलाक ना लोगों के, बस अल्लाह पाक रहम करे। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत तंग किया और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो अल्लाह पाक उनको माफ़ करे। अपने अखलाक साबित करते हैं कि इंसान कैसा है। जरूरत तो नहीं पड़ी लाइन में लगी। मुझे लगा लाइन में लगे। और ये इतनी बदतमीज़ी कर करके येलो ड्रेस में जो आंटी थी वो आगे बढ़ रही थी धक्के दे दे के, जैसे बस ये आखिरी बस है, इसके बाद तो कोई बस जानी ही नहीं है। इंसान का बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। आप जेंट्स को एकदम जो है ना धक्के मार मार के बस आखिरकार हम लोग बस में बैठ ही गए। और आखिरकार बस स्टार्ट हो गई। बस इतनी फास्ट जा रही थी, रोक ही नहीं रहे थे। मैंने कहा ना कि वो जो बाद के लोग हैं वो सिर्फ रोशनी देखेंगे आगे गाड़ी की लाइट, उसमें दिखे नहीं है लाइट। इतनी फास्ट जा रही थी ना ये बस और रोड भी इतने ख़राब हो रहे थे कि बस ऐसा लग रहा था कि अब बस जो है ना हम गए, लेकिन जो है इन्जॉयमेंट बच्चे कर रहे थे तो बच्चों के खातिर मैंने बहुत बर्दाश्त किया। और जो है ना बस ऐसा लग रहा था कि हवाओं में उड़ रही है बस, और इतनी तेज़ी से बुलेट की तरीके से लेके जा रहे थे बस को कि मतलब एक एक पंचर पंचर बस का हिल रहा था। और बस जो है ना जी 17 डब लग रही थी, इतना ज़्यादा वो हिल रही थी, पूरा पार्ट हिल रहा था उसका, एक एक पार्ट में से झनझन झनझन आवाज़ आ रही थी। और जो है ना बस बच्चों के खातिर ना बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए थोड़े बहुत जो एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया। और हमारी भी एक बहुत प्यारी सी याद बन गई थी यहाँ पे एलिफेंट। वहाँ पे इतना एकदम से शाम हो गई थी, हालांकि असर का टाइम हो रहा था, लेकिन बिल्कुल भी जो है ना इतने बड़े पैमाने पे बना हुआ है ना सफारी पार्क कि एनिमल सारे जो है ना अपने हाउस के अंदर चले गए थे। ओए क्या है? सीप है, बकरी है, नहीं क्या है? हिरन है। हिरन, हाँ हिरन है। वो देखो वो आई हिरन। बड़े बड़े सींग हैं, बड़े बड़े हैं।
और ये जो बैकग्राउंड पे आवाज़ें आ रही हैं बच्चों के रोने की चीखने की, तो ये मेरे बच्चे नहीं हैं, बस में और भी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे जो बस को ज़्यादा तेज़ चलने की वजह से बहुत डर रहे थे और चीखें मार रहे थे और रो रहे थे। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे थे और ख़ामोशी से बैठे हुए बहुत तमीज़ से जो है ना बहुत एक्साइटेड होके बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो है चीखम धाड़ नहीं मचा रहे थे। उतरने नहीं देते, पहले उतरने देते थे थोड़ी देर ना, स्टे करने देते थे दो दो मिनट। हमारे साथ आप लोग इंजॉय कर, इसका लिखा हुआ नहीं है ना, क्या है, हिरन है ना मेरे, हाँ हिरन नहीं लिखी हुई है, वो बड़ी हिरन क्या हाथी। वो उसके अंदर तक लेकर जाते थे, हाँ वो देखिए एक बच्चा खड़ा हुआ है वहाँ पे। वहाँ पे मम्मा एक बच्चा खड़ा हुआ है, वो देखिए एक बच्चा खड़ा हुआ है हाथी के पास। पिंजरे तो काफ़ी खाली पड़े हुए थे, तो बस जल्दी से बस जो है ना मेरे ख्याल से 5 मिनट का विज़िट था और उड़ाते हुए हमको लेके गई और उड़ाते हुए हमें लेके आ गई वापस। तो अब हम लोग वापस आ गए थे और मंज़र बहुत प्यारा भी हो रहा था और बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत जल्दी रात होने लगी है, सर्दियों की रातें चल रही हैं ये और इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। पे हॉर्स राइडिंग भी होती है और करवाना चाहें तो आप करवाएं। रात का व्यू भी मैंने कहा आप लोगों को दिखा देते हैं, रात तो नहीं है ये, मगरिब के बाद का व्यू है और लाइट्स ऑन हो गई हैं। हम लोग बस से उतर आए हैं। पूरिया आप मेरे साथ साथ आओ, बच्चों का ख़ास ख्याल रखें क्योंकि रश बढ़ता जाता है जैसे जैसे शाम हो रही है, और शाम हो रही है नहीं हो गई है शाम, उससे हाथ गंदे हो जाते हैं बेटा। मुझे चिप्स चाहिए अगर बाबा दिलाने, अभी दिलाते हैं, लेकिन हमारी तरफ के ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं शायद। कौन से बाबा, यहाँ पे जो है हम लोग दौड़ दौड़ के बहुत थक गए थे और अब हम लोगों ने स्टे करके वगैरह किया और उसके बाद जो है हस्बैंड चले गए थे ट्रेन की टिकट लेने के लिए ताकि हम लोग थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, तो यहाँ गए ट्रेन की टिकट लेने। बस की है ना, हम लोग सफारी पार गए हुए हैं, ये टिकट ले लिया हमने। हम लोगों की आदत है कि हम लोग हर जगह जाके पहले थोड़ा सा लेके टेस्ट करते हैं, अगर समझ में आता है तो ठीक है वरना जो है ऑर्डर करते हैं, वरना हम फिर उसको भी जो है ना बहुत मुश्किल से खाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी से ट्रेन के अंदर बैठ गए थे और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन नहीं थी, जल्दी जल्दी ट्रेन आ रही थी और नेक्स्ट ट्रिप लग रही थी, तो हम लोग जो है जगह बना के बैठ गए थे। और जैसा कि बच्चों की शक्लों से लग रहा है वो लोग बहुत थक गए थे, हम लोगों ने 2-2.5 घंटे में ये सारा एक्सप्लोर किया था जल्दी जल्दी और बच्चों को भी इंजॉय कराया था। और अब हमारी ट्रेन की राइड स्टार्ट हो गई है और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे जिसकी वजह से वो खा भी नहीं रहे थे। और हम लोगों ने जो चिप्स एंजॉय किए लेकिन हमारे घर की तरफ जो मिलते हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और फ्रेंच फ्राइज क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं। ये देखें ये ट्रेन कितनी प्यारी लग रही है और बस की सर्विस जो है लाइव एनिमल्स की जो है वो रोक दी गई थी। और यहाँ पे जो है ये मगरिब के फौरन बाद का मंज़र है, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा सन्नाटा हो गया था और लाइट्स का बहुत ज़्यादा बंदोबस्त नहीं है यहाँ पर, तो काफ़ी
दूर दूर जगहों पे लाइट लगी हुई है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सन्नाटे वाली जगहें भी लग रही थी। और मगरिब के बाद जो है ना ग्रीनरी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। और जैसे दूर दूर लाइट्स लगी हुई, लाइट्स आती थी तो बहुत प्यारा मंज़र लगता था, लेकिन ये शायद बैक साइड का है सफारी पार्क का, तो ये एकदम जंगल जंगल सा लग रहा था। तो बस हम लोगों ने ट्रेन की राइड यहाँ पे ले ली थी, बच्चों के साथ इंजॉय कर रहे थे। और आप लोग भी व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर इसको बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारे लाइक्स दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, दूसरों की खुशियों को देख के माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और आप लोगों ने कितना इंजॉय किया मेरे व्लॉग को देख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के लाइक सब्सक्राइब करने से और कमेंट्स करने से मुझे बहुत हौसला अफज़ाई मिलती है। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर से किसी मुल्कों से कई मुल्कों से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और पाकिस्तान से देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को देख के जो बाहर से देख रहे हैं, उन लोगों को बहुत इन्जॉयमेंट मिल रही होगी कि पाकिस्तान भी देख रहा है, पाकिस्तान की जगहें भी घूम रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग फन लैंड था यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर उतर गए थे और अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ इधर वाले लैंड पे। चलो चलो भैया आ जाओ यार, यहाँ पे इन्होंने कहा मोटू पतलू के साथ भी एक तस्वीर हो जाए। हाँ हो गई, शायद आप थोड़े से मोटे हो जाए इसके साथ। अरे मेरा शोहर स्मार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर देखो इधर, चलो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को बैठा दिया था मिनी डॉजिंग कार पे, और हूरिया को भी बैठने का शौक़ हो रहा था, लेकिन हूरिया जो है अकेले नहीं बैठ सकती थी, और इसलिए शाहजन की जो है टांगें फंसी हुई थी। लेकिन उसको जो है ना, ज़ाहिर बहनों का तो ख्याल रखना ही है ना, बड़ा भाई है तो ख्याल तो रखना है। तो वो उसको फिर हम लोगों ने कहा ज़बरदस्ती कि बेटा इसको भी राइड आप अपने साथ दिलवाओ, तो वो मिनी डॉजिंग कार पर बैठ गया था, और उसने बहुत अच्छे से ख्याल भी किया, और बच्चों ने बहुत यहाँ पर इंजॉय किया। शानजलीज़े भी यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रही थी। और उसके बाद हम लोगों ने डॉजिंग कार के बाद जो है बिग डॉजिंग कार की तरफ आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे शाहजहन को बैठना था, और यहाँ पे रश भी बहुत था, और कोई सिस्टम नहीं था यहाँ पे कि टिकट लेके आपको जो है एक सीट दी जाए। यहाँ जिसका जो दिल चाह रहा था ना, वो जिसको दिल चाह रहा था धक्का दे के दूसरा बंदा बैठ रहा था। तो बहुत ही यहाँ का जो है ना निज़ाम इस जगह का बहुत ख़राब था कि डॉजिंग कार पर जिसका ज़्यादा ज़ोर चल रहा था वो आके बैठ रहा था। और यहाँ पे हम लोग बच्चों को ले गए थे फिर जो है एक मिनी राइड्स पे, हम लोगों ने नहीं बैठाया था क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी रश था और हम लोगों को जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करना था सारा। और मैंने एक्सप्लोर भी किया, और थोड़ा सा इसलिए भी कि आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रही थी, तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों ने कितना इन्जॉय किया ज़रूर बताइएगा। तो हम लोगों को पता चल ही जाता है कि किसने कहाँ से देखा, कितना देखा, तो आप हैं जिनके चैनल हैं उनको पता चल जाता है कि कौन हमें कहाँ से देख रहा है, कितना व्लॉग देखा, कितना स्किप किया, और कितना देखा, किस मुल्क से देखा, कहाँ से देखा, किस जगह से देखा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखने के बाद लाइक कर देंगे, कमेंट्स कर देंगे अच्छा सा प्यारा सा, तो और ज़्यादा खुशी होगी। यहाँ पर जो है हम लोग फिर बाहर की तरफ आ गए थे, और बच्चों को जो है आइसक्रीम भी इंजॉय करा दी थी, और यह आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा लाइट मीठा था इसके अंदर, और क्रीम तो होती नहीं है जो हैवी लगे, तो बहुत लाइट मीठे के साथ बहुत यम्मी था। और यहाँ पे हम लोग बच्चों को लेके आ गए थे, यहाँ पे छोटा मिनी प्लेलैंड था, और इसके झूले काफ़ी तकरीबन सारे ही बंद थे, ये जिस पे शानजली से झूल रही हैं बस यही एक ऑन था, बाकी ये टोकन वाले सारे ही बंद थे। लेकिन हम लोगों ने कहा आप लोगों के लिए एक्सप्लोर करना तो बनता है ना, क्योंकि मेरा व्लॉग का चैनल है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लोर किया ये सारा। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी एफर्ट्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने जो जानने वाले हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को जो है ये अब्बा के साथ मज़ा ले रही हूँ, आराम से अब्बा की गोद में लटकी हुई हैं, और बाकी के बच्चे झूला झूल रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, इन्होंने इसको लिया हुआ था मीरा को, वरना मेरा तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है इसको लेके और चलना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में बैग भी वो पकड़ रहे थे, क्योंकि मैं ज़्यादा वज़न लेके चल नहीं सकती हूँ। तो अब हमारी हो गई थी वापसी, और अब हमें जाना था कहीं और,
तो बस अब हम लोग निकलते हैं, फिर आप लोग खुद खाते हैं। बहुत जल्दी मिलते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे नए व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।